अगर आप स्मार्ट सिटी भागलपुर में कार बाइक चलाने का शौक रखते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको हम डरा नहीं रहे हैं बल्कि सतर्क कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर स्मार्ट सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जो कि आपको हैरान कर देगी। स्मार्ट सिटी शहर को स्मार्ट सूची में शामिल होने के बाद से शहर को कई तरह से स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, जिसमें से कि एक ट्रैफिक व्यवस्था भी है। स्मार्ट सिटी में अब ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से चालान काटने की प्रक्रिया लोगों पर भारी पड़ रही है। मामला भाजपा के युवा नेता कुश पांडे से संबंधित है, जिनकी कार काफी दिनों से ठीक होने के लिए गैराज में पड़ा हुआ है और कुश पांडे इन दिनों वैष्णो देवी की यात्रा पर है और उन्हें बाइक का चालान उनके कार के नंबर को अंकित करते हुए भेजा गया है, जिसके बाद भाजपा नेता ने वीडियो जारी कर यातायात पुलिस की कारनामे को उजागर किया है। जी अभी मुझे एक ई चालान मैसेज आया है जिसमें 1000 रुपए का चालान मेरा टाटा एल्ट्रोज कार जिसकी संख्या 10AL2936 है। अभी एक चालान आया जिसमें कि 1000 रुपए का चालान जमा करने के लिए कहा गया। आश्चर्यजनक है कि वह कार पिछले 20 दिनों से सर्विस सेंटर में बंद है, लेकिन उसमें एक चालान आता है कि अभी 10 बजे आज विकनपुर के पास बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई जा रही है। यह सोचने वाली बात है कि कार में हेलमेट का संयोग कहां से बैठ गया। साफ तौर पर ट्रैफिक नियम व्यवस्था में काफी त्रुटि है। सिर्फ आपाधापी में भागलपुर प्रशासन ऐसा नियम लोगों को परेशान करने के लिए ला रही है और इस परेशानी में आम लोगों को जूझना पड़ रहा है कि जिनका गाड़ी बंद है बिना हेलमेट का या फिर किसी का नंबर रहता है किसी और को चालान चले जाता है और चालान भरना पड़ता है और पुलिस प्रशासन दबाव बनाती है कि आप चालान को भरें, तो कहीं ना कहीं एक तौर साफ तौर पर देखा जाता है कि मोटा रकम वसूलने के लिए जिला प्रशासन ऐसा रवैया कर रही है। मेरे साथ ऐसा आज घटना घटित हुआ है कि मेरी कार जो सर्विस सेंटर में बंद है उसका चालान आता है कि हम हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हैं। कार में सीट बेल्ट का आता समझ में आता और कार बंद पड़ा उसमें हेलमेट का, यह एक अपने में हंसने योग्य विषय है। और ऐसा करके बिहार द्वारा पूरे देश भर में ऐसा माहौल मतलब समझिए कि एक हास्यास्पद विषय बन गया है कि आप कार में मोटरसाइकिल के हेलमेट का चलान। वहीं इस पूरे मामले पर यातायात DSP आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह मानवीय भूल है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नए पुलिस कर्मियों को पदस्थापित किया गया है, जिससे भूलवश ऐसी गलती हो जा रही है। गलतीवश जिन्हें भी इस तरह का जुर्माना किया जा रहा है वो आवेदन देकर सुधार करवा सकते हैं, उन्हें कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। वो हमारे तरफ से पुलिस पर्सनल के तरफ से चूक हुई है, वो एक प्रावधान है फाइन करने का, तो वायलेशन कांस्टेबल अप्रूव करती है और फिर अफसर चेक करते हैं। हमारे नए नए कांस्टेबल और अफसर अभी आए हैं, एक महीना भी नहीं पूरा हुआ है, तो चूक होने की संभावना बनी रहती है। चूक हुआ उसका सुधार की गुंजाइश है, वो लिख के देंगे और वो फिर उनको डिलीट कर दिया जाएगा उसमें और SSP साहब के माध्यम से सुधार होने की गुंजाइश है। बहुत बड़ी बात नहीं है, चूक तो मानवीय भूल है। इसमें एक तो मामला अभी कुछ और देखता हूँ, उसके अलावा कुछ कुछ लोगों का आया कंप्लेन दिए हैं कि एक मोटरसाइकिल बुलेट का है जिसकी जगह पे दूसरे बुलेट वाले होंगे, उनका ये कहना था बुलेट वाला दूसरा है और मेरे पे मैसेज चला गया, उसमें मैंने देखा भी, चेक कर रहे हैं। तो इस तरह का हो सकता है कि बहुत बाइक वाले का दूसरे बाइक में नंबर प्लेट लगा के चलाएं, तो उसमें कोई अपराध कर ले तो दूसरे को, अगर कोई किसी को ऐसा मैसेज जाता है तो तुरंत कंप्लेन करें, ये हम लोग चाहेंगे, क्योंकि संज्ञान में आना भी चाहिए कि इस तरह की बातें, और इससे बचना चाहिए अपने, क्यों अपने गलती को नहीं, गलती होने के बावजूद भी गलती का चलान चला जाए तो उसको जरूर संज्ञान में लाना चाहिए। भागलपुर के नवछिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। भागलपुर से बेगूसराय जा रही एक बस जगतपुर झील के समीप अनियंत्रित होकर सीधा झील में उतर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना करीब दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। मौके पर क्रेन की मदद से बस को झील से बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में राहगीरों की भीड़ लग गई। वहीं स्थानीय थाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। एक युवक विद्युत विभाग से तंग आकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इसके समर्थन में दर्जनों लोग भी विद्युत विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भूख हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्युत विभाग और उनके कर्मी तानाशाही रवैये पर उतर चुके हैं, जिसमें आम जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग यहीं भूखे दम तोड़ देंगे, वरना हमें इंसाफ चाहिए। मामला भागलपुर की प्रबत्ती काली स्थान रंगमंच भवन का है, जहां प्रबत्ती के रहने वाले मुन्ना कुमार शाह के साथ उनका
का समर्थन करते हुए दर्जनों युवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लाइनमैन मनोज पंडित हम लोगों के पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखा है, कभी कंज्यूमर से अनाप शनाप पैसा मांगता है, जबकि हम लोगों का मीटर से बिजली चोरी होने का कोई ऐसा उपाय ही नहीं है। मीटर भी सील है और तार भी कहीं टूटा हुआ नहीं है, फिर भी हम लोगों पर विद्युत विभाग आरोप लगा रही है, यह कहीं से सही नहीं है। वहीं वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक अनिश्चितकालीन बिजली कनेक्शन काटी गई थी, लेकिन अब निश्चित रूप से कनेक्शन काट दिया गया है। गौरतलब है कि यह युवक आटा चक्की मिल चलाकर अपना गुजर बसर करता है। विभाग द्वारा मोबाइल पर मैसेज देकर उनके बिजली को निश्चित रूप से काट दी गई है, जिसका सबूत विभाग द्वारा दिया गया SMS है। वहीं मुन्ना शाह ने लाइनमैन मनोज पंडित पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी से अभद्र बातें किया करता था, बिजली विभाग मेरे पर बिजली चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर हमें तंग करने की कोशिश कर रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। बिजली विभाग नाथनगर SDO हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया है, मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर, जबकि हम मीटर और वो FIR में कह रहे हैं कि मीटर बॉक्स के अंदर रहता है, मीटर का सील सही है, बॉक्स का सील सही है, बक्सा सही है, तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हम मनोज पंडित मेरे से मंथली मांगता था, लाइनमैन है और भी जगह से वो मंथली लेता है, तो हम मैडम रीडिंग और मेरा पत्नी भी दुकान में रहती, उससे गंदा गंदा बात भी बोलता, तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, कहता था चलिए घूरने मैडम क्या करते हैं मरते हैं चलिए, ये बहुत तरह की बात है। उस किस तरह से मांग रहा था वो? मंथली हम रीडिंग लेने आते हैं सब देता है, आप भी दीजिए, 1000 रुपया महीना मांगता था। उसके बाद हम उससे तंग अजी जाके हम उसका कंप्लेन दिए सहायक विद्युत अभियंता को, वो भी रजिस्टर्ड है वहाँ 685 नंबर में, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन उल्टा हम पे ये हुआ कि एक महीना अगर बिल जमा नहीं किए तो मेरा लाइन कटने आ गया, जबकि मेरा सिक्योरिटी जमा था, पहले का बकाया भी था क्या? नहीं, मेरे ऊपर किसी तरह बकाया नहीं, अप टू डेट उपभोक्ता है हम, जितना हमको रीडिंग आप हर एक महीना ओके पर बिल बना के दे रहे हैं, अगर मीटर खराब था तो LK पर बिल बनता ना कि ओके पर बिल दे रहा है, और JE हम लोग का ऑथराइज है, JE रीडिंग लेने नहीं आता था, तो जिसके कारण हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मेरे साथ इंसाफ हो, 15 दिनांक 15/12 से सब जगह कागज पत्र दे के हम थक गए, कोई कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सूद लेने के लिए आया? अभी तक कोई बिजली विभाग का आदमी यहाँ नहीं आया। पुलिस प्रशासन हाल समाचार पूछ के जाते हैं, हॉस्पिटल से कल आए थे, जांच किए थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है, कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की जगदीशपुर थाना अंतर्गत तहसील नदी घाट पर अवैध रूप से बालू खनन माफिया द्वारा अवैध बालू खनन की सूचना पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ पहुंचे, तभी पुलिस को देखते ही माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और माफियाओं को पकड़ने के लिए पीछा किया गया, तभी अपराधी अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गए। उसके बाद थाने में FIR दर्ज किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर घटना स्थल पर पहुंचे और एक विशेष टीम का गठन किया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल खनन माफिया नितेश कुमार, राजेश कुमार, दिवाकर यादव, अजीत कुमार और बिट्टू कुमार को 2 अवैध कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सबों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है और बाकी फरार हुए माफिया को भी पकड़ने की कवायद में जुटी हुई है। कल दिनांक 15/12/23 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत
तहसूर नदी घाट पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए SHO जगदीशपुर बल के साथ वहां पहुंचे। अंधेरा था और इनके पास पर्याप्त बल नहीं था, उसका फायदा उठा के 2-3 लोगों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में 6-7 राउंड वहां पे हवाई फायरिंग की और तुरंत बल की मांग की गई। जब तक वहां बल पहुंचता तब तक वो लोग वहां से भागने में सफल रहे। उसके बाद तुरंत वरीय पदाधिकारी लोगों को सूचना दी गई और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। उस स्पेशल टीम का नेतृत्व DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव कर रहे थे। रात में ही FIR किया गया। टोटल 21 लोगों पे नामजद FIR और 25 अज्ञात लोग हैं इसमें। FIR करने के उपरांत छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के उपरांत 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इनका नाम है नितेश कुमार, राजेश कुमार, दिवाकर यादव, अजीत यादव, बिट्टू कुमार, और इनके पास से 2 अवैध कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया गया है। और टोटल जो घटना थी उसके 6-7 घंटे बाद ही ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ चल रही है कि इसमें और कौन लोग शामिल थे जो अज्ञात लोग थे, और जो बाकी नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनकी छापेमारी की जा रही है। इसमें जो टीम थी, स्पेशल जो टीम बनाई गई थी छापेमारी के लिए, इसमें सौम्य प्रियदर्शी सदर अंचल, थानाध्यक्ष जगदीशपुर रंजीत कुमार, पुवनी मुरलीधर शाह DIU, सुशील कुमार DIU से, सूरज कुमार थानाध्यक्ष सजौर, ये सभी रात भर रेड में लगे रहे और उन्होंने इन 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। और बाकियों के जो बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और खनन और बालू में जो अवैध धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ भागलपुर सख्त रूप से जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। और वहां पे एक पिकेट भी, जो आपका ये घाट पड़ता है तहसूर नदी घाट और सैदपुर घाट, इन दोनों को कवर करने के लिए एक पिकेट भी बनाया जा रहा था। वो 1-2 हफ्ते से प्लान में था, वहाँ मेंटेनेंस चल रहा था और उसमें अब 1 हफ्ते में वो सुचारू हो जाएगा और वहाँ पर्याप्त मात्रा में बल रहेगा जो पूरा एरिया को डोमिनेट करेगा, वहाँ पैदल गश्ती करेगा और अवैध बालू खनन को रोकने में ये आगे जो हम लोग स्टेप उठा रहे हैं भागलपुर में, ये एक अहम स्टेप रहेगा। सर, गिरफ्तार लोग कभी जेल गए हैं? 5 लोग हैं तो आपराधिक इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग पता कर रहे हैं। रात भर जो टीम ने रेड किया है तो अभी इसमें समय नहीं मिल पा रहा, अभी भी रेड चालू है। जो 21 नामजद लोग में से 5 लोग ही पकड़े गए हैं तो बाकी लोग की भी रेड चल रही है, और जो जैसे जैसे लोग पकड़ते आएंगे इनका हम आपराधिक इतिहास पता करके आपको बता देंगे। सर, अपराधी ने क्या विरोध किया पुलिस का? जैसा कि मैंने बताया कि अंधेरा था और अवैध बालू खनन कर रहे थे, स्टार्ट ही कर रहे थे, ये लोग पहुंच गए और पुलिस को देख के उन्होंने कम बल देख के 2-3 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी 6-7 राउंड फायरिंग की हवा में, और जब तक हम लोगों का पर्याप्त मात्रा में बल पहुंचता तब तक वो लोग। 17 दिसंबर को सब इंस्पेक्टर की होने वाली परीक्षा को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर SP आनंद कुमार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी और सीनियर SP ने सभी केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। देखिए, कल बिहार अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग के तत्वाधान में एक परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें सभी केंद्रों पे पुलिस बल की तैनाती रहेगी और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। SDO, SDPO लगातार सभी केंद्रों पर भ्रमणशील रहेंगे और हम लोग परीक्षा पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लेंगे। कितने सेक्टर बनाए गए हैं? ये सेक्टर 3-3, 4-4 जो सेंटर हैं उनको मिला के एक सेक्टर बनाया गया है, और सभी सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि पूरी परीक्षा के दौरान उसके पूर्व से ही भ्रमणशील रहेंगे और सभी केंद्रों पर जाकर व्यवस्था को देखते रहेंगे। तीसरी आंख से भी निगरानी रहेगी? बिल्कुल रहेगा। CCTV कैमरा की प्रतिनियुक्ति सभी सेंटर्स पर की गई है, जैमर्स लगाए गए हैं ताकि जो मोबाइल का सिग्नल है उसको रोका जा सके। क्योंकि अवर सेवा आयोग की जो सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा होती है पुलिस की, उसको लेकर के ब्रीफिंग थी, सारे केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो प्रेक्षक की भी भूमिका में रहेंगे, इसके अतिरिक्त जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हम लोगों ने लगाया है, और सबको हम लोगों ने प्रॉपरली ब्रीफ भी कर दिया है कि टाइमली सेंटर पर पहुंचना है और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हम लोगों को संपन्न करानी है। 10,000 के लगभग कैंडिडेट जो है 2 पालियों में वो भाग लेंगे इस परीक्षा में, तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है और ये परीक्षा जो कल निर्धारित है इसको भी हम लोग बढ़िया से संपन्न कराएंगे। कितने
अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री के तहत कई योजनाएं चल रही है जिसकी जानकारी जनता को अभी पूर्ण रूपेण नहीं है। उसको जागरूक करने के लिए देश के हर कोने में जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री पेंशन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर कोई अन्य प्रधानमंत्री से जुड़ी योजनाएं लोगों तक पहुंचे और देश विकसित देश बने, इसी उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम को बताया जा रहा है। इसी बाबत यह कार्यक्रम भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार की गारंटी और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ के अंतर्गत ये कैंप चल रहा है कि 2047 तक हम पूरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कैसे करें कि ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बने और विकसित बने, और जो सेवा दे रहे हैं इस भारत की सुरक्षा में उनका हम सम्मान कैसे करें, और जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे हर किस्म का नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिले, उसकी कैंप है ये। उसकी जानकारी उपलब्ध कराना और उनका रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड का योजना हो, आपका आधार कार्ड जो यहाँ बन रहा है बनने का कैंप हो, या प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना शहरी आवास योजना है वो कैसे होगा, और लोगों को जानकारी दे के उनके तक पहुँचाने का कार्यक्रम। ये कैसा परिवार जिसने अपने हक की आवाज उठाई तो उसे दबंगों ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। अब वो परिवार अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। पति पत्नी और दो बच्चे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दबंगों सताया पूरा परिवार भागलपुर के कुछ मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा, जमीनी विवाद में हमारे बड़े भाई ने ही हम लोगों की सारी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। इतना ही नहीं, मेरे हिस्से की जितनी जमीन वो भी अवैध तरीके से बेचना शुरू कर दिया है। जब हम लोग अपने हिस्से की मांग करते हैं तो हमें पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते हम लोग इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी जानकारी हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री जिलाधिकारी से लेकर कई लोगों को दिया, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो पाया। मामला जमीनी विवाद का हर, यह जमीन कटिहार जिला में अवस्थित है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नारायण शर्मा और नूतन कुमारी शर्मा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर भटकने को यह परिवार मजबूर है। साथ ही दबंग से परेशान परिवार वालों ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारने के लिए कई दबंगों को सुपारी दे रखी है, जिसके चलते हम लोग अपने ही घर से भागे भागे फिर रहे हैं। पीड़ित पति पत्नी अपनी सभी जमीन के कागजातों को मीडिया कर्मियों के समक्ष साझा किया। सबसे पहला बात तो है कि जब प्रॉफिट हुआ तो गलत तरीका से हुआ ना, तो हमने बस आवाज उठाई है, कुछ नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो बस यही है कि गवर्नमेंट जो है कटिहार में हो, पीएमओ ऑफिस हो, डिप्टी सीएम है, हमने जहाँ जहाँ अप्लाई किया, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे सब मेरे मतलब कि काम करे मेरे लिए, थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करे, थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग की लाइफ बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी हमारी, एक दो प्रॉपर्टी नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी है। मतलब नाबालिग में भी मेरे संपत्ति की संपत्ति को मतलब 14 साल की उम्र में गलत साइन करवा के उसने बेच दिया, जबकि इनके नाम से संपत्ति थी तो वो बेच नहीं सकता जब तक ये बालिग नहीं हो जाए। नाबालिग में संपत्ति बेची हुई कोई अधिकार में नहीं होता है, ना किसी को वो वैलिड होता है। और दूसरी बात यह है कि वो जहां भी जा रहे हाथ जोड़ के सबसे विनती है कटिहार वालों से कि जो भी कटिहार के बड़े बड़े जो जिलाधिकारी हैं, जो भी एसपी डीएसपी, जो भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई बड़ा कोई भी आदमी सपोर्ट उनको कर रहा है तो वो फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाए। और ये जो संपत्ति है हमारी ऋषि भवन के पास में जो वो दान पत्र में बता रहे, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाए ना वो किसी के दान में जाए, ना वो किसी के हक में जाए, ना किसी के नाम से मोटेशन हो, जब तक हम लोग नहीं चाहें कोई भी अंचल अधिकारी इस पेपर से या इस प्रॉपर्टी से, ऋषि भवन की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे, प्रभु दयाल शर्मा की प्रॉपर्टी से, राजेंद्र प्रसाद शर्मा की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे। बस मेरी इतनी सी विनती है कटिहार वालों से। और 27 जनवरी को मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि हम लोगों को जालसाजी से बुलाया गया, बुला करके हम लोगों को मेरे जेठ ने और मेरे जेठानी ने कहा कि ठीक है तुमको प्रॉपर्टी दिया जाएगा। मेरे पास एक बंदे की रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग हम अभी नहीं सुना सकते क्योंकि मेरे को और भी खतरा हो सकता है आगे। तो हम मुझे बोला गया कि चलो ठीक है तुम्हारा एक हिस्सा था, 51 लाख रुपया था, एक मकान में अलग हिस्सा भी था, तुमको सब दिया जाएगा, तुम आओ। जब हम लोग को गुप्त जगह पे बुलाया गया तो बहुत गंदी गंदी गालियों से, मतलब कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया कि तुम कहाँ कहाँ गई हो, कहाँ कहाँ क्या किया है मेरे जेठानी ने। और मेरी जेठानी ने ये चीज बोला, वो ड्रिंक की हुई थी मेरी जेठानी,
उसने ये चीज कहा दारू पीकर के मेरी जेठानी ने कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, मेरे बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट है, अगर तुम कोर्ट कचहरी या कोई बड़े अफसर के पास गई ये चीज को लेकर के तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम कहां जा रहे हो, क्योंकि सबसे अहम भूमिका हम ही निभा रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड है, सारे प्रॉपर्टी पेपर हम ही निकलवा रहे, तो जितना भी खतरा है टोटल मेरे ऊपर ही है अब भी जो प्रेजेंट में। हम यही चाहते हैं कटिहार में हर जगह पर जहां जहां हम लोग दौड़ रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले, इस संपत्ति में जहां भी अधिकार मिले, बस और कुछ नहीं, शांति से वो लोग भी अपना जिए, हमें भी जीने दे, और हमारी जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो हमारा दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार है, वो ऐसे किसी को जैसे कि दान में या दान पत्र में या किसी के नाम से मोटेशन ना हो, पहले हमारा हक हम लोग को मिल जाए, उसके बाद आप मनोज शर्मा बबीता देवी किसी को भी दान में दे हमें को। जैसे मिर्चाड़ी जमीन वो अपनी वाइफ के नाम से करवा के और उसने उसे बेच दिया प्रोवेट करवा के, और प्रोवेट में ना मेरी रजामंदी है ना कुछ है ना मेरी साइन है, उसने किसी और से जाली साइन करवा के उसे उन्होंने बेच दिया। उसके बाद 2013 में वो बंटवारा लिया मम्मी से कि अपनी वाइफ के नाम से कि मेरी वाइफ को मान के तुम दे दो, वो तो यहाँ रहता नहीं है तो वो क्या करेगा, तो तुम इसे दे दिया माने दे दो, तो वो अपनी वाइफ के नाम से करवा दिया और करवा के प्रोवेट करवा के वो सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया, ठीक है वो भी गया ठीक है। अब फिर ये है आपको सिमंदी चौक ऋषि वन के पास का जमीन है, ये दादा मैंने देखिए पिताजी का नाम और दादा का नाम है इसमें, तो वो भी क्या वो अपने साधु को रहने दे दिया है, बोला उसको मैंने दे दिया दान में, तो कौन दिया दान में, तो बोलता मम्मी दान में, तो मम्मी कहाँ से दान में देगी, पिताजी का नाम है और दादा का नाम है, मम्मी का नाम ही नहीं है उसमें, जो कोई भी दान में देता दान पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। हम कटिहार से हैं, दबंग नहीं है लेकिन दबंग से काम करवाता है, कोई भी बड़ा है आदमी से पैसा खिलाया, जमीन बेचा पैसा खिलाया काम करवाया। आपने कभी बोला कि मेरा प्रॉपर्टी हिस्सा दो? मेरे को पता चला उसके बाद मैंने बोला, तो फिर 40 हटिया में है प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या आधा हिस्सा करवाया वो भी अपना मर्जी से, माने किचन बाथरूम सब मेरी तरफ और खाली पत्ती जमीन तुम्हारी तरफ, और उसमें करवा के फिर बोलता तुम क्या करोगे बेच दो, तो ठीक है 51 में बात हुआ 38 दिया। कहाँ का शिकायत किया है? इसका शिकायत पीओ ऑफिस की है, फिर वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जज माने किसके पास जिला पदाधिकारी के यहाँ पे किए हैं, देखिए साइन मोहर भी है उनका, तो वो भी दिए, बोले ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अन्याय मिले मेरे को, जो भी मेरा संपत्ति है जो बिका बिका है, लेकिन जो भी मेरा संपत्ति है वो मेरे माने गवर्नमेंट माने देख के आप माने इस माध्यम से की जाए माने। भागलपुर के सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में रह रहे बंजारण समाज के अध्यक्ष बासु मंडल ने बताया कि 12 दिसंबर को हमारे बंजारण समाज में 20 लोगों की शादी समारोह थी। देर रात बारात घुमाते हुए कृष्णानंद स्टेडियम में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में कोलकाता से आए हुए कलाकारों द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था। कलाकारों द्वारा हथियार घुमाने का वीडियो वायरल हुआ है, जो असली या नकली हमको पता नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा 3 पुलिस कर्मी की भी ड्यूटी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे हथियार के मामले में झूठे केस करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमे हमारे साथ 15 बंजारण समाज के जोड़ों की शादी पुलिस प्रशासन द्वारा रुकवा दी गई है, जिससे हमारे 2 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ, और सभी बंजारण जिनका शादी नहीं हुआ उन परिवार के लोग रो रहे हैं, जिससे सभी लोग प्रशासन द्वारा गलत केस में फंसाए जाने पर प्रशासन से नाराजगी जता रहे हैं। शादी बराती घुमा के सिंदूर डालने वाले थे, इतने में बड़ा बाबू आया, डीजे उजे बंद करवा दिया, शादी नहीं करने दिया, 2-3 गाड़ी रात को घुमाया, डर से सब सो गए, सभी लड़की ऐसे पड़ा हुआ, 2 लाख का सामान बर्बाद हो गया था, नुकसान हो गया, 2 लाख की सामान मेरा बर्बाद हो गया, सब लड़की वाली रो रही है, क्या करें साहब, दिल्ली कलकत्ता से बॉम्बे से कमा के लाए थे, सब बर्बाद हो गया। अभी बताइए सुल्तानगंज का समाज लोग ऐसे करेगा तो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म हम लोग को आप लोग सहयोग दीजिए, हमको झूठे के फंसाया जा रहा। साहब हमारी बीवी को हाथ की बीमारी था, हम चला गए डॉक्टर को पास, इधर शादी बराती उराती घूम रहा था, हमको कोई मालूम नहीं साहब कि अब कब हुआ प्रोग्राम, हमको ये भी मालूम नहीं, हम पुलिस के साथ थे, 3 गो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी में, 3 गो पुलिस वाले थे, वहाँ 2-3 लड़की नाच रही थी, इतने हम देखे। कहाँ का कलाकार था? कलकत्ते का था साहब कलाकार। हाँ तो हथियार जो दिखाया है वो कौन दिखाया है?
उन लड़की लोग को दिखा, हम लोग को किसी को मालूम भी नहीं है, सब सोए हुए थे हमारा। तो हथियार कौन लड़की लोग लाए थे क्या? लड़की लाए हैं साहब। वो कहाँ का कलाकार बताए? कलकत्ता का है साहब। जी जी, तो उसमें तो जो पुलिस द्वारा जो है आप पे भी केस किया गया है और कलाकारों पे अज्ञात के लोगों पर, इस पे क्या कहेंगे साहब? आप तो देखे हैं, जो हम बरसों से आते हैं शादी ब्याह करवाने दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे से कमा के, हमारी बाप दादा इधर ही रहता था, हम आते हैं एक दो महीना यहाँ शादी उदी करवाते हैं, बाबा धाम का जल चढ़ाते हैं, अजगैबी नाम का जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पब्लिक को मिल के यहाँ हम लोग गुड़गुड़ाम करके कमाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग को कोई कभी कोई केस मेरे ऊपर है तो बताइए सर, पब्लिक से पूछा जाए। तो क्या लगता है झूठे केस में फंसाया जा रहा है? झूठे में फंसाया जा रहा है, झूठे केस में। वो हथियार असली था कि नकली था? था आप लोगों का वो हथियार का बात सामने आ रहा है, क्या कहना है? वो तो हम लोग नहीं समझते हैं, अब वो नकली था कि असली, वो मतलब नहीं, मगर वो बाहर का नाच था। वो कहाँ से आया था? किधर वो आसाम का बोलता था कोई, कलकत्ता बंगाल का, उधर ही से आया था। हम लोग तो ऐसे ही हर साल आते हैं बाप दादा, इन पुस्ता से हम लोग का चलता है शादी ब्याह, मगर ये बीच में हम लड़की लोग का आया। हम लोग तो शौक से हर साल जनते के लिए मंगाते हैं, फिर शादी भी नहीं होने दिया, और बीच में देखो वो नाच वाले क्या था, उसका हाथ में नहीं था वो, हम लोग का मालूम नहीं है तो सर। हथियार जो हथियार था कि अब नकली था कि असली था वो समझ नहीं आया, कोई नहीं जानता है, मगर वो लड़की आया था बाहर का, वही दिखाया, कैसे क्या वो हम लोग का मालूम नहीं, हम लोग नहीं जानते। तो शादी भी नहीं हुआ कुछ लोगों का? शादी भी नहीं होने पाया अच्छे से, और नाच भी नहीं देख पाए हम लोग, उधर से दरोगा लोग आया वही सब भगा दिया हम लोग। कितना का नुकसान हुआ आप लोग? बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 10 लाख का नुकसान हम लोग का हो गया है, बहुत गया है, किसी का गरीब लोग का भी 2 लाख 4 लाख, कोई लाख, कोई 50,000, सब मिला के हम लोग ऐसा किए थे, सब कमेटी में मिला के। क्या नाम आपका? आपका क्या नाम? हमारा बेचनी देवी नाम है, बंजारन है। हम बंजारन। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग इधर बम्बई में रहते हैं, मगर तीन पुस्ता से हम लोग का इधर नाच ब्याह करने साल भर में 2 साल में 4 साल आते हैं, हम लोग करके चले जाते हैं। कब जाइएगा आप लोग? अभी बस हम लोग बस 15 दिन और रहेंगे, बस हम लोग चले जाएंगे।